के उपचुनाव की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने जीत की दावेदारी कर रखी है। ऐसे में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी क्षेत्र की जनता से संपर्क करना शुरू कर दिया। काजी निजामुद्दीन का कहना है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी मंगलौर में अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाले उपचुनाव में भी मंगलौर की जनता कांग्रेस को ही जिताने का काम करेगी। भाजपा प्रत्याशी को लेकर उन्होंने कहा बीजेपी के पास तो मंगलौर में क्या उत्तराखंड में एक ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। बीजेपी के पास तो मंगलौर विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है और वो प्रत्याशी भी पूरे ज़िले से छोड़ दीजिए, हरिद्वार से, उत्तराखंड से छोड़ दीजिए, सुना है कहीं बाहर से लेकर आ रहे हैं, कोई खनन वनन का काम करने वाले हैं उनको लेकर आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने जो इस लोकसभा चुनाव में विधानसभा मंगलौर का रिजल्ट दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो लगभग 44,000 वोट दिए हैं और बीजेपी को 21,000 वोट मिले हैं। 60% वोट मंगलौर में कांग्रेस पार्टी को मिला है जो लोकसभा का रिजल्ट गया है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है, राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में विश्वास जनता ने जताया यहाँ की लीडरशिप के नेतृत्व में और हम सब लोग खूब मेहनत यहाँ कर रहे हैं। जनता प्यार कांग्रेस को देगी ये हमें उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उससे जनता नाराज़ है, यहाँ के नेताओं से भी जनता खुश नहीं है और हम सब लोग अब उस दिशा में चलेंगे कि मंगलौर की सीट कांग्रेस के झोली में आए। चीज़ें बदलती हैं, हर चुनाव में परिस्थितियाँ बदलती हैं। इसमें आप लोकसभा के रिजल्ट को उठाइए तो उसमें बसपा आपको कहीं दिखाई नहीं देती, बहुत दूर 5,000 के लगभग उनको वोट मिले हैं, जहां कांग्रेस को 44,000 मिले हैं इनको 5,000 मिले हैं, बीजेपी को 21,000 मिले हैं। तो ये सारा रिजल्ट दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी दूरों दूर भी नहीं है, वो तो निर्दलीय के आसपास कहीं टिक रहे हैं। तो वो तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में या किसी भी पार्टी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग कांग्रेस से हैं, कांग्रेस यहाँ भारी बहुमत के साथ कामयाबी हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वही टीम है, वही हम सब लोग हैं, वही सब लोग मेहनत करेंगे, वही सब लोग लगे रहेंगे, सभी लोग यहाँ वही कार्यकर्ता, वही बूथ पर साथी काम करने वाले वही सभी लोग हैं, तो वही फ़ायदा सब लोगों को इस चुनाव में भी होगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और 10 तारीख दूर नहीं है, 10 तारीख में आपको पता चल जाएगा कांग्रेस के बारे में।